भाई विकास पांडे विदित जी आपके समक्ष। माँ सरस्वती को प्रणाम। जानते हैं आप काफ़ी एनर्जी लगा चुके हैं अभी इसके जस्ट पहले जो सत्र हुआ उसमें। देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ कि मैं शब्दों को सजाने का हृदय से काम करता हूँ। मैं शब्दों को सजाने का हृदय से काम करता हूँ बाबा। गजल और गीत कविताएं आपके नाम करता हूँ बा। और अदब की यह सभा है सिर झुकाता हूँ विनय से मैं। और ये वीरों की धरा है मैं इसे प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई। चंदौली की धरा है मैं इसे प्रणाम करता हूँ। सुनिए कुछ पंक्तियाँ अब तक पहुँचती हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। स्वागत है भैया। कि गांठ रिश्तों में लाना नहीं चाहिए। गांठ रिश्तों में लाना नहीं चाहिए, प्रेम मन से मिटाना नहीं चाहिए। गांठ रिश्तों में लाना नहीं चाहिए, प्रेम मन से मिटाना नहीं चाहिए। और भाई अपना भले चाहे कैसा भी हो, भाई अपना भले चाहे कैसा भी हो, उसको दुश्मन बनाना नहीं चाहिए। बाबा बाबा उसको दुश्मन बनाना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आप। युवा लोग बैठे हैं उनके लिए देता हूँ कुछ। स्वागत है। आजमाइए कि आप आजमाइएगा, मैं यहाँ से कह देता हूँ केवल कि मिला हो हुस्न जब इफरात इतराया नहीं जाता। मिला हो हुस्न जब इफरात इतराया नहीं जाता, निगाहों का कहर हर दिल पे बरपाया नहीं जाता। अब बनाते हैं तसल्ली से, बनाते हैं तसल्ली से, लगा लेते हैं होठों से कशिश से हो भरा जब जाम छलकाया नहीं जाता। क्या कहने, कशिश से हो भरा जब जाम छलकाया नहीं जाता। और हकीमों ने कई हाकिम हुक्कामों ने की कोशिश, हकीमों ने कई हाकिम हुक्कामों ने की कोशिश, हमारे सर से क्यों काला घना साया नहीं जाता। क्या कहने भैया। कहीं वो बारिशें दिन रात दम भर कर बरसती हैं, कहीं वो बारिशें दिन रात दम भर कर बरसती हैं, और कहीं उन बादलों से एक दिन छाया नहीं जाता। बाबा बाबा। कुछ और अशार देखिए कि दिन भर शहर में जो किसी का घर बनाता है, क्यों रात में फुटपाथ को बिस्तर बनाता है। दिन भर शहर में जो किसी का घर बनाता है, क्यों रात में फुटपाथ को बिस्तर बनाता है। और फूलों की माला जो बनाता था बहुत दिन तक, कुछ तो हुआ है आजकल खंजर बनाता है। कुछ तो हुआ है आजकल खंजर बनाता है। बहुत बढ़िया भैया, शानदार। कविता पढ़ देता हूँ आपके बीच बाबूजी शीर्षक से, बहुत ही प्रसिद्ध रचना आपकी। अहमद आजमी भाई ने कहा कि माँ कैसे याद करती है, कि क्या याद घर की आती नहीं। वहाँ बेटा है तो अपने पिताजी को कैसे याद करता है शहर में। स्वागत है भैया। कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी। यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, और बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। बहुत बढ़िया भैया। बड़े शक थे कहाँ कभी वे दिखलाते थे कोमलता, यदि क्रोध करते तो उनके नैनों में सूरज जलता पलता था, पर प्रेम भी उनके मन के ओझल कोने में, जो आता था काम एकांत में उनकी पलक भिगोने में। और कभी प्रेम उमड़ा तो उसे छुपा जाते थे बाबूजी। क्या बात कहने? बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। पूनम पूनम जी। और बहुत बढ़िया। वो बच्चा क्या कहता है कि क्षणिक आवेश से वशीभूत हो भैया ने जब घर छोड़ा, बिखरे रिश्तों के तारों को बाबूजी ने फिर जोड़ा, भोजन वस्त्र और घर की उलझन में उलझे ही रहते थे, लेकिन अपनी व्यथा कथा वे कहाँ किसी से कहते थे, अपने दिल में सारे दर्द दबा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। क्या कहने भैया। अंत में कहता है कि आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, वही सूर्य होंगे मेरे और धूप बना जीऊंगा मैं, निखरा हूं मैं संघर्षों की ज्वाला में जो अब तप कर, बाबूजी का व्यक्तित्व ही उभरा है मेरे अंदर। वाह।
और समय समय पर सही राह दिखला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और वो बच्चा कहता है कि अब तो यदा कदा सपनों में आ जाते हैं बाबूजी, और बड़े प्यार से मेरा सिर सहला जाते हैं बाबूजी। बाबा बाबा, बड़े प्यार से मेरा सिर सहला जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत प्यार से मेरा सर सहला जाते हैं बाबूजी। बहुत ही समृद्ध मंच।